गुड इवनिंग गाइस, आज मैं अपना पहला जो ब्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ बेस्ड ऑन माय गॉल ब्लैडर सर्जरी। सो मेरा जो गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ है वो 23 ऑफ मंडे अक्टूबर का जो है, नहीं अक्टूबर सितंबर का, सॉरी। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो थोड़ा सा यहाँ हुआ मैं बोल रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है ब्लॉग करने का, सो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो पीछे से बैकग्राउंड के बहुत सारे नॉइज़ भी मिलेंगे आपको, आई होप आप थोड़ा सा अवॉइड कर लो। सो मेरी सर्जरी हुई थी 23rd ऑफ सितंबर। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरी मल्टीपल ऑफ स्टोन्स हैं, तो जिसके कारण मुझे सर्जरी करना होगा। तो मैं 2 मंथ्स तब भी मैंने वेट किया, तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बेटर है कि आप एज सून एज पॉसिबल अपना सर्जरी करा लो, तो सो दैट विल बी मोर बेटर, बिकॉज नहीं तो वो जो स्टोन है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। सो इसीलिए सडनली मैंने डिसाइड किया कि इट विल बी मोर बेटर कि जल्दी हम सर्जरी करवा लें। सो पोस्ट सर्जरी जो था मेरा वो ठीक था, बेटर था, मैं जल्दी रिकवर। सॉरी, मेरी वीडियोस थोड़ी कट कट में मिलेंगे आपको। तो मेरा जो पोस्ट सर्जरी के बाद जो सर्जरी जो रिकवरी है वो जल्दी हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, लेकिन हीलिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो आपको पता होगा कि लैप्रोस्कोपी किया जाता है गॉल ब्लैडर रिमूव के लिए। सो मेरे 4 होल किए गए, जैसे चेस्ट में एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड जो एब्डोमन के साइड में जो 2 साइड्स हैं उस वहाँ पे। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड और जो चेस्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हील हो रहा है, लेकिन मेरी जो साइड का जो पोर्शन है, मतलब वहाँ का जो होल है, वो थोड़ा रिकवर होने के लिए टाइम लग रहा है। बट देन टू होप सो कि जल्दी ठीक हो जाए। कल मेरा जो ड्रेसिंग है वो रिमूव होगा, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अब मैं नॉर्मल डाइट में भी चल रही हूँ, बिकॉज़ पोस्ट सर्जरी के बाद बहुत कुछ अवॉइड करना होता है। सो डॉक्टर ने मुझे फैटी आइटम्स अवॉइड करने के लिए कहा है, एंड जिससे गैस प्रोड्यूस होगा वो सब भी अवॉइड करने के लिए कहा है मुझे, ताकि फर्दर, क्योंकि गैस होगा तो पेन होगा एंड स्टिचेस में भी प्रेशर पड़ेगा। सो बेटर है कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। तो मैं डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा है कि मैं रेड मीट जो है वो भी अवॉइड करूं, क्योंकि रेड मीट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आफ्टर सर्जरी प्रोसेस के बाद बेटर है कि आप अवॉइड करके ही चलो। सो ऐसी ही चल रही है। मैं आपको मेरी जो सर्जरी हुई है उसके बाद मैं कैसे डाइट अभी मेंटेन कर रही हूँ ये सारे वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। एंड आप लोग को अगर कोई क्वेरी क्वेरीज है रिगार्डिंग गॉल ब्लैडर सर्जरी के ऊपर, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस अभी करेंटली मैं कर रही हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड टिल डेट तक का ठीक चल रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे लग नहीं रहे, बस यही है कि जो हीलिंग जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है। एंड अभी मैं फ़िलहाल तो लीव में हूँ, एक्चुअली जॉब करती हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ मेडिकल इंस्टीट्यूट में। सो अभी रेस्ट में ही चल रही है मेरी जो डे टू डे लाइफ। सो इसीलिए सोचा कि चलिए मैं अपना ब्लॉग ही शेयर करना शुरू करूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग मैं क्या करती हूँ अपनी लाइफ में, कैसे क्या डाइट मेंटेन कर रही हूँ, क्या
मेरा रेगुलर डे टू डे लाइफ कैसा चल रहा है मैं सबको शेयर करूँगी। आई होप आप सबको मेरी जो वीडियोस है वो पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।